धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरा झारखंड के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार कर रही है अथक प्रयास। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और कनेक्टिविटी विस्तार के क्षेत्र में झारखंड रचने जा रहा है नए कीर्तिमान। झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं कोयला, विद्युत एवं रेलवे की 26,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण, जिनमें शामिल है प्रधान खांडा जंक्शन, पाथरडीह बाजार, भोजूडीह रेल लाइन का दोहरीकरण, सिंदरी मार्शलिंग यार्ड का पुनरुद्धार एवं रीमॉडलिंग, जमुनिया टाण चंद्रपुरा रेल लाइन का दोहरीकरण, पतरातु टोकी सुद के बीच रेल ओवर रेल लाइन, कुजू रांची रोड रेल लाइन का वाई कनेक्शन, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन, सोननगर अंडाल तीसरी एवं चौथी लाइन और डोरी शिवपुर परियोजना के अंतर्गत डोरी शिवपुर प्रथम और द्वितीय एवं बिराटोली शिवपुर तीसरी लाइन एवं मोहनपुर हंसडीहा नई ब्रॉडगेज लाइन का राष्ट्र को समर्पण। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं देवघर डिब्रूगढ़ टाटानगर बादाम पहाड़ मेमू रेल सेवा एवं शिवपुर स्टेशन से अत्यधिक वहन क्षमता वाली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित नॉर्थ उरीमारी कोल हैंडलिंग प्लांट का उद्घाटन, जिससे 7.5 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला सुरक्षित, किफायती एवं सुविधाजनक तरीके से रेल मार्ग द्वारा अन्य राज्यों तक भेजा जा सकेगा। आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश के पहले एयर कूल्ड कंडेंसर बेस्ड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट NTPC नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इकाई 1 को राष्ट्र को समर्पित। इससे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को किफायती बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड के बोकारो जिले में बने दामोदर घाटी निगम के 500 मेगावाट बोकारो ताप विद्युत केंद्र की फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झारखंड को दी जा रही इन सौगातों से राज्य की प्रगति को बल मिलेगा एवं प्रदेशवासियों के आर्थिक सामाजिक विकास को मिलेगी मोदी सरकार की गारंटी।